હું છું આપની સાથે રૂચા પંડ્યા. વાત કરીએ વિગતવાર સમાચારોની તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે ખાસ શનિવારે 14 સપ્ટેમ્બરે નવી દિલ્હીમાં હિન્દી દિવસની શુભકામના પાઠવી છે. તેમનું શું કહેવું છે ચાલો તે સાંભળીએ. વાસીઓ આપ સભી કો હિન્દી દિવસ કી હાર્દિક શુભકામનાએ. ઇસ વર્ષ કા હિન્દી દિન હમ સબ કે લિયે બહોત મહત્વપૂર્ણ હૈ, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था. इसका 75वां साल पूरा हो रहा है और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं. ये 75 साल की यात्रा हिंदी के लिए, राजभाषा के लिए और हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं. हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है. हिंदी एक प्रकार से सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है, एक दूसरे के दो पूरक है, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो या बांग्ला हो. हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है, हिंदी हर भाषा को मजबूती देती है. और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो चाहे राजगोपालाचारी जी हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लाला लाजपत राय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर आचार्य कृपलानी हो, ये सभी एक प्रकार से नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे. और जो समिति बनाई गई वो समिति भी श्री आयंगर और के एम मुंशी के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसने ये हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देना और हिंदी और हमारी बाकी सारी भाषाओं को ताकत देने का एक रिपोर्ट हमारी संविधान सभा के सामने रखा था. वो दोनों नेता नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और विगत 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी को और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए ढेर सारा काम हुआ है. मोदी जी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरवपूर्वक हिंदी में संबोधन देकर हिंदी के महत्व को न केवल देश समूचे विश्व के सामने रखने का काम किया है और हमारे देश में हमारी भाषाओं के प्रति गौरव के भाव को बढ़ाया है. ये 10 साल में हमने कई सारी स्थानीय भाषाओं को मजबूती देने के लिए बहुत प्रयास किया है. नई शिक्षा नीति में श्री मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देकर हमारी सभी भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम किया है. हमने ये 10 साल के अंदर कंठस्थ का टूल बनाया, हमने इस 10 साल के अंदर 4 रिपोर्ट सबमिट किए और हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रमुखता से प्रस्तावित करने का काम हमने किया है. आने वाले दिनों में राजभाषा विभाग हिंदी से 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में अनुवाद का भी एक पोर्टल लेकर आ रहा है, जिससे पत्र हो या भाषण जिसका अनुवाद बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हम सभी भाषाओं में कर पाएंगे. मैं मानता हूं इससे भी हिंदी को और स्थानीय भाषा को बहुत मजबूती मिलेगी. और मैं आज फिर से आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमारी भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में है. हिंदी ही है जो हम सबको जोड़ने का काम करती है, हमारी सब भाषाओं को जोड़ने का काम करती है. और संविधान सभा की जो स्पिरिट थी कि एक स्वदेशी भाषा में सभी देश के नागरिक एक दूसरे के साथ संवाद करें, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, गुजराती हो, हिंदी को मजबूत करने से इस सभी भाषाओं में एक प्रकार का लचीलापन भी आएगा, समृद्धि भी आएगी और एक समाहितता के संस्कार के साथ सभी भाषाएं हमारे संस्कृति, इतिहास, साहित्य, व्याकरण और हमारे बच्चों के संस्कार को भी आगे बढ़ाएगी.
अतः मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि हिंदी दिन पर आइए हम संकल्प करें, हिंदी को मजबूत करें, हिंदी के साथ साथ हमारी स्थानीय भाषा को भी मजबूत करें और राजभाषा विभाग का जो ये काम है, ये काम को आपका समर्थन करिए। फिर से एक बार आप सभी को हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम राजभाषा को मजबूत करें। वंदे।